फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अवनी अग्रवाल एंड आई एम फैकल्टी एट इम्प एक्सपर्ट. इम्प एक्सपर्ट इज़ वन इंस्टीट्यूशन विच टीचेज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्सेज टू द स्टूडेंट्स और एंटरप्रेनर्स जिनको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है. वी आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग देयर अंडर ग्रेजुएशन, हु मे बी डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड अलॉन्ग विद दैट दे वॉन्ट टू हैव सम काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन. For those purpose, we are teaching import-export courses. After completion of this courses, you may join some organization who are doing export or import business, or you can also start your import-export business as an entrepreneur. So in today's video, I will talk about career scope or opportunity for all those people who will complete this course. वो लोग ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहाँ पे जॉब कर सकते हैं उसके बारे में अपने बात करेंगे. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स या स्पेशलाइजेशन करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी मार्केट में. सी, लेटेस्ट जो स्टेटिस्टिकल डेटा अभी लेटेस्ट आया है मार्केट में, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा, इंडिया इज़ एक्सपेक्टिंग टू ग्रो एट इकोनॉमी ऑफ 5 trillion US dollar बाय 2025. अगर ये इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज करना ही पड़ेगा. एंड सेकेंड टारगेट इज़ दैट बाई 2035 आवर इकोनॉमी विल रीच एट 10 trillion dollar, एंड आउट ऑफ विच वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाई 2035 2 trillion dollar will be the economy by 2023. That means export will contribute 20% of overall economy of India by 2035. Now what does this actually mean? Statistical data ke hisab se government bahut push kar rahi hai export business increase karne ke liye. Agar Indian economy ko grow karna hai to export business expand karna hi padega. So that means lot of people will start their business in export business. वो लोग अपना business export के लिए expand करेंगे. जो already export में है वो और country में अपना expansion करेंगे. They will target more market. Maybe वो अपने product expand करेंगे. ये सब expansion के लिए they need huge people, staff. दे नीड पीपल जिनके पास नॉलेज है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का. दे नीड पीपल जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं. दे नीड पीपल हु विल डू बिजनेस डेवलपमेंट. सो देर इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ द पुल ऑफ पीपल हु आर एक्सपर्ट, हु आर प्रोफेशनल, हु हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स, हु हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट कंट्री वाइज, हु शुड अंडरस्टैंड फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट. ये सब अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट इंडियन मार्केट में बाय 2035 बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है. सो दिस इज़ द मैटर. यहाँ पर मैंने बात की कि जॉब्स रिक्वायरमेंट कैसे इंक्रीज होने वाला है. नाउ वेयर यू कैन प्लेस योर सेल्फ, अगर आपको कोई कंपनी में जॉब मिलती है तो आप क्या काम करने वाले हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या हो सकती है, उसके बारे में मैं बात करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, करियर स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का. यू माइट हैव सीन माय वीडियो ऑफ प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, बिल ऑफ लेडिंग होता है, कॉमर्शियल इन्वॉइस होता है, प्रोफोर्मा इन्वॉइस होता है, बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है. थैंक्स टू गवर्नमेंट नाउ लॉट मैनी डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन पोर्टल. बट ये सब बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कंपनीज जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करती है, दे विल बी इन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर वर्क कर सके और कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर में डॉक्यूमेंट्स की जो पूरी फाइल है वो बनाने के लिए दे विल बी इन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल फॉर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट और यू कैन से द बिजनेस डेवलपमेंट. कंपनीज के पास प्रोडक्ट्स है,
दे हैव सर्टेन पीपल, और दिस पीपल जो बिजनेस डेवलपमेंट में है वो ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, दे विल विजिट कस्टमर्स पर्सनली, दे विल डू कैंपेन ऑफ द प्रोडक्ट एंड दे विल ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट इन टू द इंटरनेशनल मार्केट. सो दिस इज़ क्वाइट एक्साइटिंग जॉब, इजंट इट? यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड, यू विल मीट न्यू पीपल, यू विल try to understand the culture of the different people, and you need to sell the product of the company. So that is a role of business development. Third could be the international marketing research. PhD mein aur doctoral study mein research ke upar bahut focus kiya jata hai. Why? Because through research you can have a base ki kaun si country mein kaun si product ki requirement hai. तो ये एक रिसर्च बैक ऑफिस वर्क है जिसमें यू मे पीपल और कंपनी और एम्प्लॉयर्स विल हायर यू टू डू रिसर्च ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में डिमांडिंग है, ये प्रोडक्ट के इंडिया में क्या सोर्सेज है. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बैक ऑफिस जॉब जिसमें आपको पूरा डेस्कटॉप पे बैठ के ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू रिसर्च करना है. फोर्थ विल बी द जॉब्स एट शिपिंग लाइन और लॉजिस्टिक कंपनी और कस्टमाउज एजेंट. जितने भी कस्टमाउज एजेंट है हु आर हेल्पिंग एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर फॉर कस्टम क्लियरेंस पर्पस, दे आर ऑल्सो इन नीड ऑफ एम्प्लॉयज जो उनकी कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर ईजी कर सके, राइट? सो यू कैन ऑल्सो वर्क विद दिस टाइप ऑफ कंपनीज. You can also work with banks because import-export business mein export finance is major role, right? Government loan provide karti hai. So banks are also in need of a people who have deep understanding of export finance. Foreign exchange management ke liye bhi aap banks mein bhi apply kar sakte ho. Next point is working with some of the import documentation or some companies who are into import. We know India is more into import than export, right? Import ज़्यादा होता है जो होना नहीं चाहिए, but जब import हो रहा है तो उस time पर import clearance की procedure के लिए import documents बनाने पड़ते हैं. Import करने के लिए भी they might need some people जो company को represent कर सके और orders ला सके. तो मे बी आप import department में काम कर सकते हो, आप import documents के लिए भी काम कर सकते हो. Next could be the most important. Maybe after having an experience of 7-8 years in import-export business, just working with some companies, you may feel that, okay, now you have an experience and you know how the market is growing. So you can also be the entrepreneur, which is a target for all the companies. थोड़े टाइम ट्रेनिंग लेने के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद, बिजनेस डेवलपमेंट करने के बाद अब आपका खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो. यस, एंटरप्रेनर्स इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. एंटरप्रेनर्स कुड बी इंपोर्टर और एंटरप्रेनर्स कुड बी द एक्सपोर्टर. इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो. इफ़ यू फील राइट नाउ यू आर फ्रेशर, राइट, आप कोई और फील्ड में जॉब कर रहे हो, आपको ये फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, सो गो एंड टेक प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स एंड देन डू वर्क इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड फॉर सम ड्यूरेशन. एंड देन वंस यू फील कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ कि आप आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाओगे, then be the entrepreneurs, take IC, take GST and start doing export or import business, right? And last opportunity could be the merchant exporter. आप ट्रेडर भी बन सकते हो. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू हैव देयर ओन प्लांट और सेटअप, राइट? तो ओनली थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट ट्रेडिंग. यू कैन बी द मर्चेंट एक्सपोर्टर. यू शुड नो द मार्केट सिनारियो, कहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड है. यू नीड टू आइडेंटिफाई द सप्लायर्स फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर हु इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी फॉर डूइंग इन्वेस्टमेंट. ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी इज ट्रेड कंसल्टेंट. येस, यू कैन ऑल्सो बी द कंसल्टेंट. मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्सपोर्ट के बारे में नहीं पता. अनफॉर्चुनेटली ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेनिंग है, इट शुड बी द पार्ट ऑफ आवर स्कूल टीचिंग, सो दैट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग स्टडी, दे कैन हैव डीप अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे वांट टू डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडी, राइट? सो ट्रेड कंसल्टेंट बन के यू कैन ऑल्सो बी द एडवाइज़र टू द कंपनीज जिनको नहीं पता एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, जिनको मार्केट रिसर्च करना है, जिनको बिजनेस डेवलपमेंट करना है. सो हियर आई हैव लिस्टेड द डिफरेंट ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़
for all the people who are students, maybe some women who wants to do back office job, they don't want to go in a field but they want to do the job. ये सब अपॉर्चुनिटीज़ ये सब के लिए अवेलेबल है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेनिंग लेने के बाद आप इस अलग अलग फील्ड्स में जॉब ले सकते हैं. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, टेक प्रोफेशनल ट्रेनिंग, टेक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड गो इन अ मार्केट. देर मस्ट बी मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल लाइक यू हु हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. आई थैंक यू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल. आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर हमारे पास से अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो यू कैन राइट डाउन ऑन कमेंट सेक्शन के ये टॉपिक्स पे आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन चाहिए. वी विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ फॉर ऑल द टॉपिक्स विच यू नीड. थैंक यू.